श्री प्राचीन कदम खंडी जो जिसका बहुत अच्छी प्राचीन इतिहास है, यहाँ के जो हमारे महाराज जी हैं इनसे हम जानेंगे यहाँ का इतिहास क्या है। हम महाराज जी से जानेंगे, पहले हम सर्वप्रथम दर्शन करें कदम खंडी, शनोरा की कदम खंडी, कैसे यहाँ पे लीला हुआ, क्या भगवान ने यहाँ लीला किया और नागा बाबा जी का क्या यहाँ पर इतिहास है। क्योंकि ठाकुर जी दिख रहे हैं आपको नागा बाबा को आशीर्वाद देते हुए और संग में श्री राधा रानी, अद्भुत और दिव्य दर्शन, बहुत सुंदर। महाराज जी, इस कदम खंडी में क्या क्या लीला हुआ भगवान का? ये नागा बाबा के कल उधर के प्राचीन यहाँ पे संत का, ये नागा बाबा पैगाम सिंह की जन्मभूमि थी, चतरा नागा था इनका नाम। कोकला वन में गुरुजी महाराज पैगाम जाते थे, अब बाबा इस बालक को मोकू दे दो, अब बाबा ये बड़ा हो जाए जब इस बालक को ले जाना बाबा। तो मैया बोल बाबा अभी बड़ा नहीं होया है, इसको बालक है, जब सियानो हो जाए तो बाबा ले जाइयो, तो सियानो हो गो तो बाबा पैगाम से इसको चतुर्भुजी मंदिर पे से तो कोकला वन ले आए थे। तो कोकला वन में आके तो गौ की सेवा करते थे, तो गौ की सेवा करते थे तो भगत लोग आए बोल बाबा गुरुजी महाराज कहाँ गए? बोल बाबा वो तो गैयान के बछड़ा नाच डालने गए। तो नागा बाबा की चतुर नागा बाबा की गोबर की हेल दोनों हाथों से आधार चल रही थी। तो नागा बाबा गुरुजी से बोले अब बाबा तेरे गुरुजी महाराज ने तो कहाँ गए? बोल बाबा वो तो गैयान के नाच डालने गए। तो नागा बाबा ने अंतरिया में हो गया, बाबा उनकी तो गोबर की हेल दोनों हाथों से आधार चल रही है। तो नागा बाबा बोले या गुरुजी तू वृद्ध लोग है, मैं वृद्ध 84 कोस की रोज प्रतिदिन पर परिक्रमा लगाऊंगा। तो नागा बाबा वृद्ध 84 कोस की प्रतिदिन रोज एक दिन में परिक्रमा कर देते थे। तो परिक्रमा करते करते आए तो यहाँ पे हींस की और कदम की झाड़ी थी, तो यहाँ पे लट अर्ज गई थी लट, तो तीन दिन इनको ठाले ठाले हो गई। तो यहाँ के ब्रजवासी ग्वालवाल अग बाबा तेरी लट को सुरजा दू? बोल बाबा ना जाने अर जाइए वही सुरजाए को। तो त्रिया जी स्वयं भोजन लेके आई थी राधा रानी, राधा रानी बाबा भोजन कर ले। बोल ना मैया मैं भोजन ना करूं, जाने अर जाइए वो स्वयं आया को। तो स्वयं कन्हैया जी ब्रजवासी ग्वालवाल बन के आए, अग बाबा तेरी लटा को सुरजा दू? बोल बाबा ना जाने आ जाइए वही छुट जाए। बोल बाबा तेरे श्रृंगार दिखा दे, कहाँ तेरी मुरली, कहाँ तेरी पीतमरी, कहाँ तेरी। तो सैन बोल बाबा अब सुर जाओ, बोल बाबा अब बिना सुर जाऊ मैं। तो राधा रानी और कन्हैया जी दोनों साथ में आए थे, बोल बाबा अब सुर जा दू, बोल बाबा अब सुर अब बिना सुर जाऊ मैं। सैन कन्हैया जी और त्रिया जी दोनों साथ में आए थे 500 वर्ष पुराने, जब से इसका नाम कदम खंडी पड़ा। इसमें मोरा बहुत है। ये किस संप्रदाय से सेवा चलती है महाराज जी? निम्बार्क के आचार्य, यहाँ निम्बार्क परंपरा से सेवा होती है ठाकुर जी की। आप यहाँ पर वर्तमान सेवायत हैं, आपका शुभ नाम? परशुराम दास। परशुराम दास जी, तो ये परशुराम दास जी नागा बाबा के इस आश्रम में सेवायत अधिकारी हैं और बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन श्री लाडली जी की, जुगल सरकार का बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही अद्भुत सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी की, बहुत ही सुंदर दर्शन है और इसी विग्रह को लेकर के आए थे। तो बहुत ही प्राचीन स्थान, जैसे कि अभी हमारे महाराज जी ने बताया है, आप दर्शन कर रहे हैं कदम खंडी श्री ठाकुर जी जुगल सरकार, साथ में श्री गोपाल जी, श्री शालिग्राम जी और गुरु परम्परा के आचार्य पीठ निम्बार्क संप्रदाय से यहाँ की सेवा परंपरा संपन्न होती है। जैसा कि बाबा ने बताया कि नागा बाबा नित्य 84 कोस परिक्रमा करते थे और बाबा का जटा जब उलझ गई तो संत का एक संकल्प था
यहाँ साधु संतों को जितने भी सबको भोजन होता है, साधु संत तपस्या बहुत कर रहे हैं इस बनी में, और लकड़ी नहीं तोड़ सकता कोई भी इसमें। अच्छा, हाँ, वरदान लगा हुआ है खेत, जो सेवा आती है नागा बाबा की वही सेवा लगती है यहाँ पर। वाह, तो बाबा ने बताया कि संत का तो एक संकल्प था भगवत भक्ति प्रिया प्रियतम का सेवा, चतुरा नागा नाम था बाबा का। और आप देख रहे हैं जटा जब उलझ गया था तो राधा रानी जब पहले आई, जैसे कि बाबा ने बताया, फिर बाबा ने कहा कि नहीं, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। तो ये ठाकुर जी का जो अभी इस चित्र हम देख रहे हैं, जस्ट यही लीला यहाँ पर हुआ, संत का दर्शन अद्भुत। जय हो संत भगवान की जय। प्राचीन सुनौरा कदम खंडी से आइए, और भी हमें कदम खंडी दिखाने का प्रयास करूँगा आपको, प्राचीन कदम खंडी का दर्शन और संत भगवान का यह तपोभूमि, चारों तरफ कदम का खंड, कदम खंडी कदम का वृक्ष, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। हर वृक्षों पर सिर्फ तोता ही तोता, यानी सुखदेव भगवान का यहाँ स्थान है। आप देख रहे हैं सुखदेव भगवान का प्राचीन स्थान, ये कदम के वृक्ष पर तोता यानी सुख स्वरूप सुखदेव भगवान का बहुत ही सुंदर आगमन और उनका चहचहाहट अद्भुत। प्राचीन सोनोरा के कदम खंडी से अध्यात्म मीडिया के माध्यम से आप दर्शन कर पा रहे हैं। भक्तजन अपने अपने शूटिंग कर रहे हैं, ये हमारी कैमरे की टीम है जो हमारे साथ चलते हैं। और प्राचीन बहुत दूर दूर में फैला हुआ यह घनघोर जंगल में यह स्थान है, चारों तरफ तोते ही तोते। तो इस प्राचीन सुनौरा के कदम खंडी, इस प्राचीन दर्शन को मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इसे शेयर अवश्य करें। और 84 को उस ब्रजमंडल में पड़ने वाला यह पड़ाव कदम खंडी के नाम से प्रसिद्ध है। और अध्यात्म मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्रज दर्शन प्यारा दर्शन 84 को उस ब्रजमंडल का आपके द्वारा प्रचार प्रसार आप करें, ये हम आपसे एक अभिलाषा रखते हैं और ये हम आपसे कामना करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, फिर मिलेंगे नई और प्राचीन दर्शन लेकर के। जय श्री राधे।